दोस्तों गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान आपको एक चीज़ ध्यान देनी होगी कि कहीं आपके पढ़ने का तरीका तो गलत नहीं है क्या, आप सही तरीके से पढ़ रहे हैं जिस तरीके से सिलेक्शन लिया जाता है। दोस्तों आपको एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से समझना। यहाँ पर दोस्तों होता क्या है, कई बार हम पढ़ते पढ़ते बोरियत फील करने लगते हैं या फिर हमें पढ़ने में बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है, बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। तो ऐसे केस में आप अपनी पढ़ाई के पैटर्न में क्या ऐसा चेंज करें कि आपका पढ़ने में मन लगने लगे। तो आपको एक तरीके, वैसे तो इसमें बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं एक सटीक तरीका आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। अगर आप इसको अप्लाई करोगे तो मैं I am 100% श्योर कि आपका पढ़ने में मन लगने लगेगा। तो वो तरीका क्या है समझना। होता क्या है दोस्तों, जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो जैसे मान लीजिए हमने कोई एक सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर दिया, तो हम उसको पढ़ते पढ़ते जब आधे घंटे से ज़्यादा हमने उस सब्जेक्ट को पढ़ लिया तो हम बोरियत फील होने लगती है। सेम चीज़ को जब हम लंबे समय से पढ़ रहे हैं, एक घंटे से पढ़ रहे हैं, तो हम उसमें बोर हो गए। अब ये चीज़ हमारा माइंड तो समझ रहा है, लेकिन हम इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि एक्चुअल में मैं इस सब्जेक्ट से बोर हो गया हूँ। तो करना क्या होता है कि थोड़े थोड़े समय में सब्जेक्ट को रोटेट करते रहें। इस टेक्निक को बोला जाता है सब्जेक्ट रोटेशन टेक्निक। मतलब आपको थोड़ी देर तक एक सब्जेक्ट पढ़ना है, उसके बाद में सब्जेक्ट को तुरंत बंद करके रख दो और दूसरी किताब उठा लो, दूसरा सब्जेक्ट उठा लो और उसको पढ़ना शुरू कर दो। अब इससे होगा क्या कि जैसे मान लो आपने आधे घंटे मैथ की प्रैक्टिस करी, मैथ की प्रैक्टिस से जैसे ही आप बोर हुए, आपने देखा आधा घंटा हो गया, अब थोड़ा माइंड मेरा स्लगिश हो रहा है, मतलब वो सुस्त पड़ रहा है, पढ़ने का मन नहीं लग रहा है, तुरंत से मैथ की बुक बंद कर दो और उठा लो जनरल अवेयरनेस। एक घंटे आपने जनरल अवेयरनेस पढ़ा, उसके बाद में उसको बंद करके उठा लिया रीजनिंग। तो इस तरीके से अगर आप एक शेड्यूल बनाओगे सब्जेक्ट रोटेशन, मतलब सब्जेक्ट को बार बार रोटेट करते रहो, एक ही सब्जेक्ट को लंबे समय तक ना पढ़ो बल्कि कई सब्जेक्टों को आधे आधे एक एक घंटे का अगर आप टाइम दोगे तो इसके दो बेनिफिट होंगे। सबसे पहला बेनिफिट कि जैसे ही आप सब्जेक्ट चेंज करते हो तो एक नई ऊर्जा के साथ में आप उसको पढ़ते हो, आपको इंटरेस्ट जगता है। तो पहला तो ये फ़ायदा हो गया। दूसरा बेनिफिट ये हो गया कि मान लो आपने 3 घंटे स्टडी करी और 3 घंटे में आपने 3 सब्जेक्ट पढ़े, तो जब आप 3 घंटे बाद उठोगे पढ़ाई करके तो आपके माइंड में एक फीलिंग आएगी कि यार मैंने 3 सब्जेक्ट पढ़ लिए। और मान लीजिए आपने सिर्फ 1 सब्जेक्ट पढ़ा होता तो 3 घंटे बाद आपके माइंड में एक फीलिंग आती कि अरे यार मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ, इसके बावजूद भी मैं सिर्फ मैथ के 15-20 सवाल लगा पाया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे माइंड पर भी इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आपको लगता है कि आपने 3 घंटे में बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ ली हैं, आपने 3-3 सब्जेक्ट पढ़ लिए, तो ये साइकोलॉजिकल भी आपको बहुत अच्छा बेनिफिट करता है। तो मैं आपसे कहूँगा कि एक बार, कम से कम एक बार अपने पढ़ाई के तरीके को चेंज करो, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करो। और जो ये टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ सब्जेक्ट रोटेशन वाली टेक्निक, इस टेक्निक को फॉलो करो, I am definitely sure कि आपका पढ़ने में मन लगेगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो, मेरा ये सजेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। मैं आपके साथ में ऐसी ही और टेक्निक्स को शेयर करता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।